भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के मौके पर आज पूरे देश के साथ ही पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। अगरतला के श्री कृष्ण मिशन स्कूल में कृष्णोत्सव शीर्षक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां बड़ी संख्या में भगवान श्री कृष्ण और राधा की वेशभूषा में बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। The Janmashtami program is being held every year in our school. We are involving students in Krishna Saja competition. The main purpose is to inculcate the seed of spirituality, moral values in the minds of the students so that in course of time, whenever they will understand, they will become good human being. The purpose of life, the goal of life should be understood by them so that they will become good citizens of our country, good leaders of our country, and they will have lot of things to do for the entire humanity. Krishna. Competition is Janna. वुडपेकर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने अपने छठे वार्षिक संस्करण के लिए चुनी गई फिल्मों की घोषणा कर दी है। इस साल इस फिल्म महोत्सव में 12 देशों की 59 फिल्मों और वृत्त चित्रों को स्क्रीनिंग के लिए चुना गया है। 23 से 25 नवंबर तक नई दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में महोत्सव का आयोजन होगा। इस साल महोत्सव के लिए पूर्वोत्तर राज्यों से चुनी गई 3 फिल्मों में सिक्किम के निर्देशक त्रिवेणी राय की 10 मिनट की लघु फिल्म छोरी भी शामिल है। इसके अलावा जिन फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी वह इस तरह है। ऑस्कर विजेता वृत्त चित्र निर्देशक किर्क साइमन की द पुलित्जर 800, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म वेल्डर और आई टेस्ट आदि। शिलांग के गणेश दास नामक अस्पताल की लापरवाही की वजह से एक नवजात शिशु की जान चली गई है। जानकारी के मुताबिक एक नर्स की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। मृत शिशु के रिश्तेदारों ने आरोप लगाया है कि नर्स ने प्रसूति को उस समय भी व्हीलचेयर पर बिठाकर रखा जब उसकी डिलीवरी हो रही थी। इसी के चलते नवजात की मौत हो गई। बाद में अस्पताल के नर्सों ने नवजात के शव को अस्पताल के बाहर फेंक दिया। शिशु की माँ अभी भी सदमे में है और उसका इलाज दूसरे अस्पताल में चल रहा है। हालांकि मामले के सिलसिले में पीड़ित परिवार की ओर से कोई FIR दर्ज नहीं करवाई गई है। इस मामले के संबंध में न्यूज 18 असम नॉर्थ ईस्ट ने स्वास्थ्य मंत्री AL हक से भी बात की। On 29 August, my sister has a delivery. When she went to the hospital, they told that 8 months we can deliver. But I told them, but just see because she is it's an emergency. They won't allow, then we'll go and admit her in the hospital, in the another hospital. And then they said, no, let us admit here. After some time, when they give birth a baby, the baby is not more anymore. Ma. Then I give the clothes of the baby, did not cover the baby. They just take the clothes of his mother. Then they just tie the baby just like an animal and all. This is some negligency that took place in the Ganesh Das Hospital for that pregnant woman, which already delivery with 2 twin, but they have told me it was not negligency. They have done everything in proper way only. But I said that I don't want to listen like that. Just give me a complete report on this issue. आखिरकार हवाई मार्ग के जरिए दुनिया के अन्य हिस्सों से जुड़ने का सिक्किम वासियों का सपना पूरा हुआ। सिक्किम के पाक्योंग हवाई अड्डे का संचालन शुरू हो गया है। नागरिक उड्डयन विभाग के महानिदेशक ने स्पाइस जेट को पाक्योंग हवाई अड्डे से अपनी प्लेन उड़ाने के लिए हरी झंडी दिखा दी है। आगामी 4 अक्टूबर से स्पाइस जेट कोलकाता से पाक्योंग तक और 16 अक्टूबर से पाक्योंग से गुवाहाटी तक अपनी डेली फ्लाइट्स शुरू कर रहा है।
कोलकाता से पाक्याओ तक ट्रेन का किराया प्रति व्यक्ति 2600 रुपए निर्धारित किया गया है और बीते 31 अगस्त से ही टिकटों की बुकिंग शुरू हो चुकी है।